बहुत ही धांसू प्रोमो देखने को मिला। वाकई इमरान हाशमी पूरी तरीके से तैयार हैं भिड़ने के लिए विद द फादर ऑफ स्पाई यूनिवर्स सलमान खान यानी कि टाइगर। जबरदस्त देखने को मिलने वाला है, क्या जबरदस्त फाइटिंग प्रोमो देखने को मिला। अगर आप देखें बहुत ही बेहतरीन फेस ऑफ प्रोमो में ही जब इतना जबरदस्त फेस ऑफ नजर आ रहा है इमरान हाशमी वर्सेस सलमान खान का, जो हमें आतिश वर्सेस टाइगर देखने को मिल रहा है, भाई बहुत धमाकेदार होने वाला। आप इमेजिन करो लिटरली, मतलब प्रोमो देखते वक्त मुझे यही फीलिंग आई कि इमेजिन करो जब ये थिएटर्स में जब ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो क्या माहौल होगा और क्या ऑडियंस भयंकर तरीके से पागल होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त आइकॉनिक फेस ऑफ होने वाले। देखिए ये हम सभी जानते हैं कि इमरान हाशमी ने जितनी भी फिल्में करी हैं, शुरुआत से आप ले लीजिए उनके करियर की, आप 2003-04 से उठा लीजिए फिल्में फुटपाथ और गैंगस्टर के वक्त से आज तक, सबसे ज़्यादा फेमस अगर इमरान हाशमी किसी चीज़ के लिए हैं तो वो है उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए। उनके बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग्स हमेशा से सुनने को मिले और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत मज़ेदार लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमको डायलॉग्स के थ्रू उनकी देखने को मिल रही है। फिर इधर दूसरी तरफ जो है सलमान खान है, उनका एक्शन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर्स भिड़ने वाले हैं एक दूसरे से। मुझे लगता है सबसे बेस्ट, सबसे आइकॉनिक, सबसे बेहतरीन स्पाई यूनिवर्स का फेस ऑफ अगर किसी हीरो और विलन के बीच में होने वाला है तो इमरान हाशमी और सलमान खान, इन दोनों का ही होने वाला है। चाहे आप पठान वर्सेस जॉन का जो कैरेक्टर था उसको ले ले, उसमें तो इतना कुछ मुझे खास मज़ा आया नहीं। या टाइगर जिंदा है में जो अगर आप देखें तो अबू उस्मान था मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर का नाम, जो आइसिस वगैरह का जो हेड रहता है उसका, और इनका फेस ऑफ देखें वो मज़ेदार था, लेकिन वैसा नहीं था एकदम हीरो और एकदम विलन वाला जो एकदम भयंकर होता है वो नहीं था, और वो हमको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर आप टाइगर वर्सेस आप देख ले ऋतिक रोशन वाला तो उसमें भी उतना वो मज़ा नहीं आ पाया, लेकिन इस सभी चीज़ों को ब्रेक करके इमरान हाशमी वर्सेस सलमान खान का आतिश वर्सेस टाइगर बहुत आइकॉनिक, बहुत धांसू होने वाला है। क्या ग्लिम्स है अभी तक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं बार 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 प्रोमो को देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल बताइए कमेंट करके, और आप लोगों को क्या लगता है वाकई में प्रोमो से कुछ फ़ायदा पहुँचेगा या नहीं बॉक्स ऑफिस की कमाई के मामले में। टाइगर 3 को 12 नवंबर को कमेंट करके ज़रूर बताओ।